सत श्री अकाल लोकरण चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं गुरजिंदर सिंह पंगू। दोस्तों अज सिख मसलियां ते विचार चर्चा करांगे ते इस विचार चर्चा दे विच मेरे नाल ने श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो प्रोफेसर महिंद्रपाल जी। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत जी थोड़ा लोकरण ते। धन्यवाद जी। जी दोस्तों आखिर सिखां नूं लै के एक नवीं इबारत लिखी जा रही है। जदों देश के प्रधानमंत्री लगातार सिख अहम शख्सियतों नाल अलग अलग मुलाकातां करदे ने उस तों बाद गुरु साहब नूं लै के लाल किले ते एक समागम हुंदा। पंजाब दे संदर्भ दे विच जेकर आपां गल करिए तां माहौल हुण सुखावें नहीं। एक तां घटना पटियाला दे विच घटदी है, फिर हिमाचल दी धरती दे उत्ते विधानसभा के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के झंडे ला दिए जाते हैं। उस तो बाद पन्नू होरां वल्लों धमकी दी जाती है उत्थों दे सीएम नूं। आखिर यह चल की रहा, एक घटना पटियाला च घटना घटती है, लगातार श्रोमणी अकाली दल इस गल ते अगे वध रहा कि जो बंदी सिंघां दी रिहाई है वह रिहाई संभव हो सके। अज भी अमृतसर च तेजा सिंह समुद्री हाल च इकट्ठ सी, कई श्रोमणी अकाली दल इकट्ठे वेखण नूं मिले। आखिर जो एक ये माहौल सिरजा जा रहा, इस माहौल के कारण की ने, आखिर की निशाने ते ने सिख कि कारण की ने, इन मसलों के विचार चर्चा करांगे। क्योंकि सिख मसलों बारे आप सारे जानते हैं कि सिख कौम संघर्षों के विचों लंघी है, बड़े खूनी दहाके हंडाए ने सिख कौम ने, बड़े अले जख्म ने, वह जख्म जिन्हां ते अज तक मलम नहीं लगी। केस कोर्ट के जाके सिमत हो गए, इंसाफ नाम की चीज़ नहीं मिली। 84 च जो कुछ वापरिया खाड़कू दौर वेले सिख कौम ने जो कुछ हंडाया, कतलेआम सिख कौम का होया, वह सब गल्लां थोड़े सामने ने। पर एक जो नवी फिर विकास की इबारत लिखी जा रही है, सिखां दे विकास के शब्द वरतूंगा मैं। प्रोफेसर साहब मेरे नाल ने, प्रोफेसर साहब समझिए किवें इस मसले नूं। आपां देखो हिमाचल दे विच घटना घटी जी, इत्थे घटना घटी, हालांकि एक एपीसोड होर भी जुड़ता इहदे च, जदों देश दे प्राइम मिनिस्टर इत्थे आए सी, उह कह के गए सी कि अपने सीएम को बोलना मसां वच के आया। समझिए किवें सारे वर्तारे नूं, आखिर चल की रहा आ। देखो इस वक्त जो तुसीं कहा, जो सानूं लगदा आपां सारिआं नूं, मेरे तजर्बे चों तां इही गल आउंदी आ सामणे कि 84 का जिहड़ा दरबार साहब ते हमला सी, उस तों बाद हर एक पोलीटिकल धिर ने अपने आपे तरीके उन्हूं एनालाइज करके फिट कर लिया कि इह जे माहौल दे विचों सानूं किवें फायदा हो सकता है, जो देखण च आया है। फॉर एग्जाम्पल, बेशक कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, 100 साल तो उपर हो गए उन्हूं, ते उन्हें अज तक पार्लियामेंट च उन्नियां सीटां कदे नहीं लईयां जिन्नियां 84 दरबार साहब ते हमले ते दिल्ली दे कतलेआम तो बाद उन्हूं सीटां मिलियां 417। इसे तरह ही गुजरात दे विच बीजेपी नूं जिहड़ियां सीटां मुसलमाना दे कतलेआम तो बाद मिलियां मोदी नूं, उन्नियां पहलां नहीं कदे मिलियां। सो ये जिहड़ियां चीज़ां ने किते ना किते ये सुनेहा दिंदियां ने साडे वर्गे संघर्षी लोकां नूं कि हुकम करन हुकमरान लोक ये एक इबारत लिख रहे ने जो इतिहास बनी जांदी है कि जदों भी कोई इलैक्शन जितनी होवे या कोई नवीं चीज़ घट गिणतियां खासकर सिखां या मुसलमानां दे उत्ते करनी होवे, उस तो पहला कुछ ऐसा करो कि जेड़े बाकी लोग ने उन्होंने मन च ये बन जाए कि जेकर असी फलानी रूलिंग पार्टी नूं वोटा ना पाइया तो हो सकता है इत्थे खून खराबा हो जाए। ये परसैप्शनज बनाई जांदियां ने, यही लग रहा मैनू। तो जो आ मौजूदा घटनावां जिहड़ियां लड़ीवार कुछ हफ्ते दे विच ही हो गई, जिहदे च चाहे मोदी इलैक्शन तो पहला आए सी या टिफिन बंब की गल की जाए या आ पटियाले वाली घटना हुई है जिहड़ी हिमाचल च वापर जो कुछ हुण हिमाचल च वापर है, यह जां करनाल तो मुंडे फड़े गए, यह सारा कुछ उस पासे वाली सुनेहा दिंदा है। मैनूं तो लगता है जिहड़ा आपां सुनेहे की गल करदे आ लोकां दे सामने या पूरे अपने देश भारत दे सामने जां फिर पूरे संसार दे सामने आह धारनावां घड़ी जा रही ने, परसैप्शन क्रिएट की जा रही ने कि सिख तां इदां दे ने,
प्राइम मिनिस्टर मसा बचे सिख तो उस फिर इतिहास नाल जोड़ दिता जाता फिर विधानसभा के उत्थे बाहर झंडे लगते हैं खालिस्तान जिंदाबाद के झंडे हिमाचल के धर्मशाला के बाहर फिर उस तो बाद पन्नू होर धमकी आँदी है उत्थों के सीएम की बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ये काम कौन कर रहा कि सिखे काम कर रहे हैं जेकर सिखा का नहीं काम ये तो फिर बंदे कौन ने। हाँ ये जिहड़ा अज खालिस्तान के उत्ते जिवें हिमाचल की विधानसभा के बिल्कुल बाहर एक गल लिखी जाती है पहले तो यह अपने आप च ही एक बड़ा वड्डा मजाक है कि किसी स्टेट की विधानसभा के बाहर कोई भी घटना वापरती है कि उन्हों उत्थों दे सीसीटीवी कैमराज नोट नहीं करते रातों रात एजेंसीज उन्हों स्टडी नहीं कर दिया प्रशासन एक गल कहेगा उतों तो बरी हो गया कि साढ़े अंदर तो सीसीटीवी है बाहर नहीं है नहीं ये अपने आप बहुत वड्डी गलती है ये गल झूठ है मैं नहीं मानता इस गल नूं कि विधानसभा वर्गे इन्ने महत्वपूर्ण स्थान के बाहरले पासे कैमरे ना लगे होण ये तो अपने आप ही फेलओवर है एक एडमिनिस्ट्रेशन का कि नहीं लगे कल वो कह देंगे पार्लीमेंट के बाहर नहीं लगे परसों कितने होर भी कहा जा सकता सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं लगे हैं अंदर लगे नहीं जी ये सारिया गलों की किवें सुरक्षा दाव ते लाई जा सकती है अज तक किसी ने खालिस्तान लिखता ना तो खालिस्तान गैर कानूनी है लिखना तो ना ही मतलब कि लिखण वाले ने जिहड़ा इहदे च कोई गलती की है गलती है तो यह हो सकती है भी इत्थे लिखण दी परमिशन नहीं सी पर बनाया ये जा रहा है कि बहुत वड्डा को अतवादी होएगा जिन्हें डेयर करके उन्होंने हिसाब न सुसाइडल एक्ट कर लिया भी उन्हें वो लिखता कारण की है जे तुसीं एक लैंड च मुकाना चाहते हो मेरे तो मैं कहना कि केजरीवाल ते बीजेपी दे विच कोई फर्क नहीं है जे बीजेपी दी जगह ते कांग्रेस भी हुंदी तां केजरीवाल दे आम ते कांग्रेस विच कोई फर्क ना हुंदा केजरीवाल हिमाचल विच राज सत्ता प्राप्त करना चाहुंदा है वो हिमाचल दे लोकां नूं सुनेहा देना चाहुंदा है कि जिवें मैं खालिस्तानी पंजाब च काबू कीते ने ते जे वो तुहाडे हिमाचल च भी पैर पसारनगे तां मैं उहनां नूं भी नहीं छड्डूंगा यही गल पटियाले होई है। हुण इत्थे एक गल जिहड़ी करनी जरूरी है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू हाँ मेरा सवाल हुई सी कि पन्नू होर ये गल कहिंदे ने कि जो कुछ मोहाली दे विच होया सीएम नूं संबोधन हुंदे ने बड़ी वड्डी गल है जो कुछ मोहाली दे विच होया ओह हिमाचल दे विच भी हो सकदा सी जो आह थ्योरी है एक जो एक गल है इहदे नाल इक तां तुसीं सारी इह क्लीयर करोगे जो उस तों बाद सवाल खड़ा हुंदा कि फिर सिखां दा अक्स हालांकि पन्नू होरां दी निगाह च तां ओह इक चंगी गल कर रहे ने सिखां दे अक्स नूं उपर करन दी गल कर रहे ने जो आपां देश पद्धर ते देखदे हां जां फिर असीं सरकारां नाल मेल जोल देखदे हां पूरे भाईचारे तौर ते देखदे हां कि एक सिख वल्लों धमकी दित्ती गई सीएम नूं इह फिर अक्स कित्थों जा के खड़दा सिखां दा। देखो इत्थे मैनूं हर एक करैक्टर दे बारे दो दो लाइनां स्पष्ट बोलणियां पैणगियां। आपां गुरपतवंत सिंह पन्नू दी गल करदे हां। गुरपतवंत सिंह पन्नू बयान दिंदा न्यूयॉर्क तों दिंदा ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਲੰਡਨ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੀ ਹੈ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜੋ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡਬਲ ਫੇਸਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਫੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾਂਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਐਨਓ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਐਨਓ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि इन्ने लोग जिहड़े ने वह खालिस्तान चाहते जां पंजाब की आजादी चाहते ने, दोनों वर्ड वह यूज़ करता है। फिर उन्हू यह कहण की की लोड़ है कि ऐसा कोई काम करो जिहदे नाल किसे नू रिस्क होवे। हुण अज यह पता है जिहनू आपां कह दिंदे आ लॉ ऑफ द लैंड, इस धरती दे उत्ते कानून पास हो गया कि सिक्स फॉर जस्टिस जिहड़ा है वह बैंड है। जे बैंड जथेबंदी कोई प्रोग्राम दिंदी है जिथे वह बैन है, कोई नौजवान लड़का या लड़की ओदे हुक्म की तामीर करते ने तो नैचुरली है कि उन्होंने एक्ट जिहड़ा है वह गैर कानूनी मनिया जाऊगा। वह गैर कानूनी एक्ट करवा के पन्नू साडे बच्चों तो की बनाना चाहता, जबकि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, मेरा एक सवाल आया कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर पन्नू होरां बारे क्लीयरली तौर पर की सोचती है? मैं जो कहा वो क्लीयर है, दूजी गल मैं गल ना लैके कह रहा है कि एक पासे आ सारियां गल्लां जिहड़ियां पन्नू साहब कह रहे ने उन्हां दे हुंदियां इह की लोड़ है पन्नू साहब नूं कि सिमरनजीत सिंह मान की प्रधानगी वाली पार्टी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर इस धरती के उपर बैठ के खालिस्तान की गल करती है कि वह उन्होंने 2008 तो सुप्रीम कोर्ट तो यह मुकदमा भी जितया है। असी ते दल खालसा ने दोहां ने जदों उन्होंने लंडन डेक्लोरेशन की है रेफरेंडम की, उस तो पहला असी एक ईमेल की दी उन्होंने भेजी है भी सानू स्पष्ट करो कि किस तरह तुसी रेफरेंडम करवाओगे, उहदे कुछ मेजर्स ने कोई उहदे पैमाने ने, वह पैमाने तुसी एज ए ऑर्गनाइजेशन रेफरेंडम वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, ये लिख के असी भेजिया। फिर साढ़े विदेशों में जो यूनिट ने श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे जिथे भी सी गुरपतवंत सिंह पन्नू न्यूयॉर्क भी तो लंडन भी उन्होंने साढ़े नुमाइंदे जाके फिजिकली मिल के आही शर्तां जिहड़ियां ने दे के आईयां कि सानू इन्हां गल्लां दा जवाब दे दो ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਨੂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਇਹ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ। ਜੋ ਰਸਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਸਤਾ, ਦੂਜਾ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜੂਗਾ? मैं उही गल कहना ना, बन जाऊगा या नहीं जाऊगा ये मैं नहीं कहता, पर यह तरीका जिहड़ा है ये दुनिया के मानता प्राप्त पैमानिया के उत्ते नहीं है कि किसी भी मतलब के कौम के बच्चों नौजवानों नू तुसी भड़का के उन्हां तो कोई भी एक्शन कराउंदे हो, भावें फिर उन्होंने जदों गिरफ्तारियां दे विच सरकारां ले आउंदियां ने किसी ना किसी कानून की धारा दे विच, तुसी उन्हां दा पिछा नहीं करते, ना तो तुसी कोर्टां विच वकील भेजदे हो, ना तुसी उन्हां दे घरे कोई रोटी पानी का प्रबंध करते हो, फिर कैड़ी गल करके बच्चे तुहाडे कहण ते मन्नण, इहदा मतलब है ये परसैप्शन बनाउण विच। हुण मैं इहदा निचोड़ कढ़ना चाहुंदा, ये परसैप्शन बनाउण विच सिखां दा अक्स खराब करन दे विच जिहड़ियां कट्टड़ हिंदूवादी जथेबंदियां ने, कट्टड़ हिंदूवादी मैं कहा सारे हिंदुओं नूं मैं कुछ नहीं कहिंदा, सारे सिखां जां मुसलमानां जां ओह मेरा कोई सबजैक्ट नहीं है, कट्टड़ हिंदुत्वा जिहड़ियां जथेबंदियां जो पटियाले होया उहदे विच रलगड़ कीता गया खालिस्तान नूं ते ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਡਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, 29 ਪ੍ਰੈਲੂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਰਚ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਢਾਂਗਾ।
खालिस्तान विरोधी मार्च कटांगा, ये दो गल्लां कहियां। अमृतसर ऐलाननामा दिन सी उह, हां उह उस तों हुण गुरपतवंत ने भी 29 अप्रैल चुनिया, जे उह इस संघर्ष नूं मंनदा है जिहदा उह दिन मनाउणा चाहुंदा है अमृतसर ऐलाननामा, फिर साडे नाल संपर्क क्यों नहीं करता? असीं तां दोणे हथ खोल के उहदे नाल मिलणा चाहुंदे हां, जे उह डेमोक्रेटिकली एंड पीसफुली इतों तक छोड़ो। 2017 के प्रधान साहब सिमरजीत सिंह मान ने एक बयान दिता भी जिनिया भी बार खालिस्तानी धिर ने गुरपतवंत सिंह पन्नू या इंग्लैंड या कितने भी जिते रहिंदिया ने, वह जे लोकतंत्री तरीके विश्वास रखदिया ने, असी इलैक्शन लड़न लगे हाँ पंजाब दे विच ते साडी सिर्फ सपोर्ट ही कर दो, इलैक्शन दे विच सपोर्ट कर दो। उन्होंने नहीं की एक भी बयान गुरपतवंत सिंह का या किसी होर विदेशी सिख जिहड़ा खालिस्तान चाहुंदा है उन्हें साडी इलैक्शनां विच सपोर्ट ही की होवे, नहीं की। इहदा मतलब की है कि हिंदू कट्टड़ हिंदू जथेबंदियां ते गुरपतवंत सिंह पन्नू मिले हुए ने आपस च, वह मिल के प्रोग्राम एक दूजे के खिलाफ दिंदे ने। फसदा कौन है? फसदे वह जज्बाती नौजवान ने जिहड़े साडी मेहनत तो बाद खालिस्तान नूं बनाउणा भी चाहुंदे ने पर उस तरीके नूं अपना लेंदे ने जिहड़ा गुरपतवंत सिंह जां सिंगला एक दूजे दा जवाब दे रहे। फिर तां जिवें तुसीं जिक्र कीता कि पन्नू होरी जां फिर जो कट्टड़ हिंदू जथेबंदियां ने उह मिल के चलदे ने, ते जो कट्टड़ हिंदू जथेबंदियां ने इह वी कितें ना कितें फिर एजेंसियां दे नाल मिलियां होईयां ने, फिर तां तुहाडे शब्दां मुताबक फिर एजेंसी दे बंदे होए पन्नू होरी। देखो पन्नू हुणी मैं मिलिया नहीं कदे फिजिकली, पर जिहड़े इत्थे सिंगले होणा वर्गे होर भी ने, इक सिंगला जिवें होर भी जिहड़े इस टाइप दे हैगे ने, उन्होंने अपनी इंटरव्यू च आप कहा कि मैनू देश की केंद्र सरकार ने दिते हुए ने गनमैन सीआरपी दे सिक्योरिटी दिती हुई है। केंद्रीय एजेंसियां दसन लोगों नू भी केड़ी ऐसी खासियत है हरीश सिंगले दे विच तां करके इनू प्रोटेक्ट करना असी अपना देश का फर्ज समझिया। एक पासे तां उह लगातार केसां दा सामना करके अज जेल च बैठा, कल ही अजे उहदा पुलिस रिमांड खत्म होया, एक बारी जेल जाण तों लिआंदा गया। सो इस तरह दिया हुण उस दिन अमृतसर ऐलाननामा सी, जिस दिन अमृतसर ऐलाननामा खालिस्तान ऐलाननामा सी 29 अप्रैल नूं, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने डीसी ऑफिस के बाहर खालिस्तान के झंडे ला के खालिस्तान ऐलाननामा डे पूरे 4.5 घंटे मनाया। पर जिहड़ियां वीडियो ते आदान प्रदान हो रहा सी दोनों पासों तो, ते ना लिता जा रहा सी, गुरपतवंत पन्नू का बहाना बनाया जा रहा सीगा, उन्हें बहाना दिता, इन्हां ने वह बहाना बना के जहर फैलाई सिंगले ने। ना तो बहाना देण वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू सुहिरद है इस धरती बारे, बाहर वो जो करता वो जाने या उत्थों दे लोग जानन, इस धरती ते जो कुछ इस तो पहला उन्हें एक बयान देता भी सारे सिख मिलटरी बैरक छड़ देन, ये पतवंत पन्नू का गुरपतवंत पन्नू का बयान है कि जिनी तनखा उन्होंने मिलती है उन्होंने तो 5000 रुपया वधा के मैं दूंगा। ये टोटली मैं उस टाइम भी कंडम किया, मैं अज भी कैमरे के मूहरे कंडम करदा गुरपतवंत सिंह पन्नू झूठ बोलता है। आ जिदन का 29 अप्रैल का पटियाले होया, आप पटियाले बैठे हाँ, आ अज तुहाडे तो पहला इत्थे सवेरे मीटिंग होके हटी है, माँ बाप भैन भरा ये मैनू चैलेंज करे गुरपतवंत पन्नू, उन्होंने भड़काए हुए लोगों ने जिहड़े सरकार अपना एक पुलिस कार्रवाई पूरी करने वास्ते उन्होंने घर रेडा मार रही है, बच्चे दे माँ बाप अज डर रहे ने, वह कहिंदे ने सानू दसो साडे बच्चे तो गुनाह की हो गया, बच्चे आसे पासे ने। यह हुण इन्हां चीज़ां नूं, ये गल्लां नवां शहर च भी मैं कीता सी, वड्डी गल है, उत्थे भी गुरपतवंत ने अज तो 4 साल पहला कोई कॉल दिती सी, 13 मुंडे मैनू मिले भोग ते, वह 1.5-1.5 साल अंदर रह के आए सी, उन्हां दा ये सी कि सानू किसे राही बाहरों फोन आया ते सानू 65000 रुपया मिल गया, मैं मोटरसाइकिल ले लिया, असी गरीब घर दे मुंडे हाँ, सानू कहा गया कि असी सिक्स फॉर जस्टिस वाले बोलते हाँ, मैं इनू आइडेंटीफाई नहीं करता पर जो मैनू दसी कहानी बच्चों ने, यह गल कंग पिंड है नवा शहर दे विच उत्थों दी गल है, मेरे पार्टी के जर्मन के प्रधान दे माता जी का भोग सी उत्थे मैनू मिलाए गए मुंडे, वह फिर साडी पार्टी के जथेदारां ने उन्हां दा पिछा करके उन्हां नू जो कानूनी प्रक्रिया विच लोड़ हुंदा है
जमानतों का वह छिड़ाए वो कहते असी तो मतलब कि इस चक्कर फस गए ट्वेंटी ट्वेंटी वाले चक्कर च सो मेरा मतलब कहने तो सिर्फ ये है कि केवल तुसी उत्थों बयान दर्ज करा के पछाण की जा रही है सिख नौजवानों की दोनों गल्लां हो जांदियां ने पहचान भी करन दी कोशिश की जाती होनी है तो जिहड़े साडे बच्चे बहुते ज़्यादा बेसमझी दे विच गल्लां कर जांदे ने उन्हां नूं ओह यूज़ करदे ने इट मीनस पन्नू भी यूज़ करता है तो पन्नू के सिर पर एजेंसियां भी यूज़ करदियां ने जेकर आपां एक प्रोफेसर साहब सीधी गल करिए पन्नू होरां दी कारवाई दे नाल सिख कौम नूं नुकसान हो रहा या फायदा मैं ये तुहानूं मैं पहला भी कहा मैं बार बार कहांगा पंजाब जिहड़ा अज पंजाब है जिथे असी लोग संघर्ष कर रहे हैं उत्थे तां उहदियां कारवाइयां दा नुकसान हो रहा है क्योंकि बार मैं नहीं गया बार मैं नहीं विचरिया उत्थे हो सकता है जिवें इंग्लैंड चुने कुछ वोटां दी गल कीती है हुण इटली च कीती है पर वोटां दी गल दा तां असी भी समर्थन करदे हां चाहे गुरपतवंत पन्नू होवे मैं मेरे प्रधान साहब ने तो मैं ये बड़ी बार डिबेट दे विच कहा पंगू साहब कि जेकर गुरपतवंत सिंह पन्नू वोटां दा कोई इंतजाम पंजाब या इंडिया विच करेगा तो साडे ते जो मर्जी होवे असी वोटां पावांगे खालिस्तान दे हक च पर इंतजाम किस तरह करेगा ये साडे नाल सलाह मशवरा तां कर लैना जे इंडिया गौरमेंट नहीं चाहेगी तू यूएनओ च किवें जाएगा जबकि यूएनओ का कानून है कि यूएनओ विच गल करन वास्ते जां तां कोई उहदा मैंबर देश गल कर सकदा है तुहाडे बिहाफ ते जां कोई मैंबर देश तुहाडा मता उठावे ते बाकी जे देश ने उहदे हक या विरोध विच वोटां पाण ये दो जां फिर उह देश जिस तों तुसीं कोई डिमांड करदे हो भाव खालिस्तान की डिमांड करदे हो उह देश रेफरेंडम करावे जिवें कि स्कॉटलैंड का रेफरेंडम इंग्लैंड ने करवाया है गुरु अपना प्रोफेसर साहब एक गल मेरी होर श्रोमणी अकाली दल वालों अमृतसर वालों कदे पन्नू होरां दे नाल राबता करन दी कोशिश कीती की गलबात करन दी मेल मेल तों अलावा कुछ होर मैं तुहानूं कहा कि फिजिकली भी साढ़े न्यूयॉर्क अमेरिका दे यूनिट दे बंदे जिहड़े जिम साढ़े अहुदेदार ने उहनूं परसनली मिल के आए ने जिवें सरदार बूटा सिंह खड़ौद साढ़े कन्वीनर ने अमरीका दे सरदार रेशम सिंह जी सीनियर वाइस प्रेजिडेंट साडी पार्टी दे रहे ने हुण वैस्ट दे प्रेजिडेंट ने इन्हां सारिआं ने परसनली मिल के उन्हां नाल ए चिट्ठी पत्र जिहड़ी होई सी उहदे फिजिकल कागज फड़ाए ने भी आ जिहड़े पॉइंट ने ये तुसीं क्लीयर कर दो साडी पार्टी नूं साडी पार्टी भी तुहाडी हिमायत कर देगी जां तुसीं इलैक्शन विच साडी हिमायत करो कुछ तां डेमोक्रेटिक प्रोसैस आपां इक दूजे नूं दिखाईए ना कि असीं सरकार जे कल असीं जाणा है असीं कोर्ट विच इंडियन कोर्ट विच गुरपतवंत दे हक च भी खड़ सकदे सी जेकर वह साढ़े नाल राबते विच रहिंदे ते डेमोक्रेटिक प्रोसैस नूं वह अपने प्रचार का आधार बनाउंदे तां असीं जरूर सी पर भड़काट दे विच लिया के बच्चों नूं जेलां विच डक्कण तक दा जिहड़ा कम है ते पिछों पिछा ना करना इहदे असीं सख्त खिलाफ हाँ ये पन्नू कर रहे ने उहदियां स्पीचिज उहदियां उहदे ऐलान ये गल्लां करवा रहे ने जिहड़ा आ हुण 29 दा होया है ये अज हजे 11-12 दिन होए ने 12 दिन चो कोई एक दिन पुछ लो प्रोफेसर महिंद्रपाल नूं जां उहदी पार्टी नूं भई उन्होंने किहड़ा दिन ऐसा छड्डिया कि साढ़े बच्चों दीआं SSP साहब नाल तुसीं पटियाले रहिंदे हो जदों असीं हर एक दिन दो दिन छड्ड के एक मीटिंग करदे हाँ इस मसले ते भी चलो जी बच्चों तो गलती हो गई जी वह गलती करवाई किने मैं नहीं कहना कि गलती करन वाले नूं कानून छड्ड देगा पहली गल तो यह है भी पटियाले की घटना के सिखां दा अक्स बहुत खराब होया इस गल का मैनूं बहुत अफसोस है कि सारिआं ने देखिया वीडियोज़ भी सिख जिहड़े ने पग्गां वाले वह काली देवी जी दे मंदिर दे उपर अटैक कर रहे ने यह बड़े दुख की गल है मैं 44 साल तो इस लाइन के 78 तो लैके अज तक मैं सारा समा देखिया कदे साढ़े पटियाले शहर के गुरद्वारा दुख निवारण साहब गुरद्वारा मोती बाग साहब काली देवी का मंदिर ये तीन वड्डे शहर शहर के धार्मिक स्थान ने दो सिखां नाल संबंधित ने एक हिंदू भाईचारे नाल संबंधित है सब का अपना अपना विश्वास है कदे नहीं होया कि कोई काली देवी के मंदिर से अटैक होया हो दुख निवारण साहब से होया हो कदे नहीं होया उस दिन भी ये मिसअंडरसटैंडिंग गौरमेंट ने भी क्रिएट की है
ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭੜਕਾਟ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਆ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਾਰਚ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਲਓਂਗੇ ਸਾਡਾ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਲਾਕੀ CID ਮਿੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਬੰਦੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਮੋੜ ਆਊਗਾ ਕੋਈ? ਆਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ ਗਈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ 26-26 ਸਾਲ, 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਜੇ ਬਾਦਲ ਆ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਰਦ ਕਦਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ 3 MLA ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।